आज इस भीड़ में हर कोई दूसरे की इच्छाओं को अपनी आकांक्षा मानकर उसे पाने में लगा है। ये कहानी है मेरे दोस्त अमित की, जो हमारा प्रोफेसर भी था। यार प्रोफेसर यार पढ़ा दे, कुछ नहीं पढ़ा यार, एकदम से फेल कर जाएंगे आपको। जिसके सहारे हम एग्जाम में पास हुआ करते थे, लेकिन उसे खुद का भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, चाहे वो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना हो। बट अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस ही कुड नॉट डू वेल, डोंट गेट नर्वस। या फिर IIT क्रैक करना। अब तो उसकी सारी उम्मीदें कैंपस प्लेसमेंट पे टिकी थी। So tell me about yourself. Thank you, Amit. You are good. But you don't need the requirements of a company. वर्मा जी, आजकल तो सबको ये इंजीनियर बन रहा है। तो अमित आ गया। आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना, क्या हुआ? वो बाजी नहीं हो पाया। नहीं हो पाया मतलब? ये तुम्हारा आखिरी मौका था ना बाजी। कोशिश अच्छा था पर नहीं हो पाया। अरे हमारे तरफ से कहाँ कमी रह गई थी, हमने अपनी जरूरतों का सैक्रिफाइस करके आपकी जरूरतें पूरी की हैं। शांत हो जाइए वर्मा जी, दुकान खुलवा दीजिए लड़के को, हमने भी खुलवा रखी है, कुछ नहीं मिलेगा इंजीनियरिंग करके, देख लीजिए। बेटा बहुत उम्मीदें थी हमें आपसे। रुको, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो दुख छुपाने से नहीं बांटने से ही बढ़ता है, बताओ क्या बात है? लाख कोशिशों के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि हम किसी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते?
सुनो, इच्छा करना और उसकी आकांक्षा रखना ही हमारे दुखों का कारण बनता है। हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया जो है वो एक जिग्सो पजल की तरह है, जिसमें हर इंसान को अपनी सही जगह फिक्स होना है। किसी मछली के तैरने की काबिलियत उसके पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से नहीं आकी जा सकती है। तुम ये सोचो, तुम क्या अच्छा कर सकते हो, तुम समाज को क्या अच्छा दे सकते हो। देखो, दुखी मत हो, ठीक है? क्या कर रहे हो भैया? पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? वो आईआईटी की तैयारी। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो? तो यहाँ क्यों कर रहे हो? घर में है क्या? देखो भैया, अमीरों का क्या है, उन लोग पास तो बहुत साधन है, उनके माँ बाप तो उन पर लाखों खर्च कर देते, लेकिन हम लोगों का क्या है, दिन भर मजूरी करने के बाद दो वक्त की रोटी नसीब होती है, तब जब कुछ टाइम मिला तो कुछ पढ़ लेते हैं। अमीरों का क्या है, समाज को क्या अच्छा दे सकते हैं, उनके पास तो बहुत साधन है, तुमसे क्या अच्छा हो सकता है। देखिए ना, आजकल अमित कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं चलता है। बाबू, बाबू, मैं तुम्हें पढ़ने में मदद करना चाहता हूँ। दिस इज वाई इक्वल टू एफ एक्स।
अरे वर्मा जी ये देखिए, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। और ये देखिए यहाँ। और मिस्टर सिंपल सर, आपकी अगली मंजिल क्या है? ग्राउंड लेवल पे भी सर से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे देश में हमेशा से टीचिंग बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन रहा है, लेकिन आज के इस मनी ओरिएंटेड जॉब मार्केट में कोई भी टीचिंग एज अ करियर नहीं लेना चाहता। इससे देश में क्वालिटी टीचिंग कम होता चला जा रहा है, इसलिए हमें इस भीड़ से अलग हटकर अपनी मंजिल ऐसी बनानी चाहिए जिसे सोसाइटी में हम कुछ बदलाव ला सकें।